30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, टू व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स, साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 03192233822। नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आर्या झा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बुनियादाबाद और प्रेम नगर में घर घर अभियान और नुक्कड़ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान नेताओं ने द्वीप समूह में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि बुनियादाबाद में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए CPIM राज्य आयोजन समिति के सचिव डी अयप्पन ने द्वीप समूह में ज्वलंत मुद्दों को हल करने में विफलता के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है और मोदी सरकार 2014 में जब सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर कीमतें कम करने के अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने यह भी कहा है कि जब 2014 में भाजपा सत्ता में आई तब अरहर दाल की कीमत महज 70 रुपए प्रति किलोग्राम थी, लेकिन अब इसकी कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। महंगाई के कारण गरीब तबके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिवालय सदस्य डी लक्ष्मण राव ने कहा कि भाजपा सरकार और उसका प्रशासन सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद पोर्ट ब्लेयर शहर में और ग्रामीण दक्षिण अंडमान क्षेत्रों में रहने वाली 2 लाख की छोटी आबादी का निर्वाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने में विफल रही। इसके साथ ही पार्टी के राज्य आयोजन समिति के सदस्य SP कैलाराजन ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए द्वीपों में श्रमिक वर्ग को लंबित मांगों को हल करने में प्रशासन की विफलता के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियनों के आंदोलन के बावजूद प्रशासन द्वारा न्यूनतम वेतन में संबोधन नहीं किया जा रहा है। CPIM पोर्ट ब्लेयर एरिया कमेटी के सदस्य NKP नायर और KG समकुट्टी ने केंद्र में भाजपा सरकार की कॉरपोरेट अनुकूल नीतियों के कारण गरीब और अमीर लोगों के बीच बढ़ती असमानता के बारे में संक्षेप में बताया। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।